कितनी देर हो गई है निकाह के बाद, अब हम यहाँ पे आए हैं और ये कौन सी जगह है आप मुझे खुद बता सकते हैं? यहाँ पे कहा था कि मेरी शादी अल्लाह करे उससे हो जो काम करने वाला हो, और वो मेरे सामने खड़े हुए थे। तब पहलवानी खड़ा हो गया, अपनी गर्लफ्रेंड से बात करता था, लेकिन खैर देखा देखा, मैंने भी देखा, देखा मैं गवाह हूं। लेकिन खैर कोई बात नहीं, वो पुरानी बातें हैं, पुरानी बातों नहीं, हमने अब छोड़ दिया काम। अंकल भी अंकल फायदा इतनी दूर आने का देखो नहीं। अभी देखना अभी ग्रोथ होगी ना, और ठीक हो जाएगी ये ग्रोथ होगी। हाँ आजो आजो ध्यान से। आई होप आप सब बिल्कुल ठीक होंगे, और आपके दोस्त अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। जैसे कि आप देख ही रहे होंगे कि आज हम कहाँ पे आए हैं, वहाँ पे आए हैं जहाँ पे हम 100 साल बाद आए हैं। मेरे ना क्या चाहते हो, निकाह को कितनी देर हो गई है निकाह के बाद, अब हम यहाँ पे आए हैं, और ये कौन सी जगह है आप मुझे खुद बता सकते हैं? क्योंकि आपको नजर तो आ ही रहा होगा कि ये कौन सी जगह है। लिबर्टी मार्केट नाम है शायद, मैं नाम भी भूल यार तूने क्यों बताया। खैर हम आए हैं जी लिबर्टी मार्केट अपनी शादी के बाद, निकाह के बाद, दो साल बाद के बाद, और दो साल बाद, बड़े सालों बाद आए हैं। खैर हम आगे क्या लेने जा रहे हैं, हम जो चीज़ पता करने आए थे वो हमें यहाँ से नहीं मिली, और अलमानी साहब को चलने में कहते हैं मेरा वेट कम ना हो जाए, इसलिए मैंने नहीं चलना, तो आप जाएं आप देखें। खैर वो बैठे हैं रेस्टोरेंट पे, अभी हम यहाँ आए हैं, हम थोड़ा चहलकदमी करके देन हम उधर जाएंगे, फिर आपको मिलते हैं। और ये वो जगह है जहाँ पे मेरी और अलमानी की फर्स्ट टाइम मुलाकात हुई थी, यानी कि मैं उनको याद नहीं था कि यहाँ आपकी मुलाकात हुई है। उनको याद था? नहीं याद। ऐसा कैसे हो सकता है, यहाँ मेरा पहला इंटरव्यू हुआ था और वो अलमानी मेरे सामने यहाँ नहीं हुआ था आपका। मेरी बात सुने, मैंने यहाँ पे कहा था कि मेरी शादी अल्लाह करे उससे हो जो काम करने वाला हो, और वो मेरे सामने खड़े हुए थे। तब जा यार तुझे क्या पता हमारी शरोज जाए। खैर फर्स्ट टाइम हमारी यहाँ मुलाकात हुई, ऊपर से मौसम भी देखो कितना, और ऊपर से यहाँ बारिश भी हो रही है अभी, और जब हम मिले थे ना तब भी मौसम इस तरह ही का था, ठंडा ठंडा। और मैं देखा आपने लापरवाही का नतीजा है प्यारा सा। आप तो एक चीज भूल गए, ये वो जगह है जहाँ हमने पहली दफा मीडिया की शुरुआत की थी। आप ये वो जगह है जी जहाँ पे हमने मीडिया की शुरुआत की थी, यानी मीडिया की लाइन में आए थे, और बहुत अच्छा वक्त हमारा गुजरा है, और अभी भी हम इस लाइन में हैं, लेकिन थोड़ा सा थक चुके हैं। बोर हो गया। आपको पता है कि वैसे ही मैं बड़ी चीज़ों से बोर हो जाती हूँ बहुत जल्द, लेकिन ये बड़ी गंदी आदत है मेरी, ऐसा होना नहीं चाहिए। और इस जगह से हमारी बहुत यादें गुजरी हैं, अपने भाई पे गई, और इस जगह पे मेरी बहुत यादें गुजरी। इस जगह पे अलमानी खड़ा हो गया, अपनी गर्लफ्रेंड से बात करता था, लेकिन खैर देखा देखा, मैंने भी देखा, देखा मैं गवाह हूं। लेकिन खैर कोई बात नहीं, वो पुरानी बातें हैं, पुरानी बातों को दिल में नहीं लेते, छोड़ते। अब ये बात नोट किया नहीं, हमने अब छोड़ दिया काम। अंकल भी अंकल अब याद है, अंकल ने अभी तक मुझे याद रखा। ये होती है देखें जरा, ये बात होती है कमाल की बात है वैसे यार। देख रहा हूँ आपको, वो लोग जानते हैं अभी इतनी देर बाद आई है, लेकिन लोग मुझे अभी भी जानते हैं। तो यार जिस चीज़ का हम पता कि नहीं आए थे, लेकिन हम वो चीज़ बरकत यहाँ बरकत मार्केट कह रहा हूँ, लिबर्टी मार्केट में नहीं मिली, मानो चल रहे हैं, आपको वो चीज़ तो मिली नहीं है, फ़ायदा इतनी दूर आने का। अलमानी है वहाँ जाते हैं, वैसे यार ऐसा होता नहीं है, वैसे मिलनी चाहिए थी यहाँ से। चलो खैर यार जब हम न्यू यहाँ आए थे ना, तो इस रेस्टोरेंट में हम ना दाल और रोटी खाते थे। एक बार मानो दाल रोटी खाई था, और मानो को फूड पॉइजन हो गया था, याद है मानो, इसलिए दाल रोटी रात से है नहीं, और ये मुझे दाल रोटी खिलाते रहते थे। तब से मांगे दाल रोटी बंद हुआ पर है, अभी तक मां दाल रोटी नहीं करती, बस घर की। आखिरकार हमें वो रेस्टोरेंट मिल ली है, ये हाँ है हमारे भाई अलमानी, चलते हैं अभी इधर रेस्टोरेंट पे। क्या नेम ले रहे थे, ये कैबरी है। आखिरकार हमने आपको ढूंढ लिया। हाँ जी दे दिया ऑर्डर, चलो ठीक है ओके। भाई अलमानी मुझे बताएं, जब से हमने लिबर्टी को छोड़ा है तो कितनी देर बाद हम इस रेस्टोरेंट में, शायद हम निकाह से पहले आए थे, और मुख्यमंत्री 4-1 मंथ हो चुके हैं।
निकाह से पहले आए थे और अब चार मंथ हो गए. लास्ट हमने मखनी कढ़ाई यहाँ पे खाई थी और तो अभी भी मखनी कढ़ाई खा रहे हैं. क्या बात. बस यहाँ का सबसे ज्यादा टेस्टी वही है. अच्छी यही लगती है मखनी कढ़ाई. खा लें तो जो खाते हैं उनका जो दिल करता है. मजे की बात ये कि चार माह जब हमारी सेमियर मेरी फर्स्ट मुलाकात हुई थी वो भी लिबर्टी में हुई थी और ये मेरे दोस्त हैं इलियास भाई और हमारी भी पहली मुलाकात लिबर्टी में हुई थी. लिबर्टी में मिले. आप उस वक्त उम्रा करके आए हुए थे. ये उम्रा करके आए हुए थे और आप तो माशाल्लाह वो कहते हैं ना कि वो तो बेचारे नहीं जा रहे थे. बाहर आ गया टेबल में बैठे. चाहे किसी ने कोई बात कर दी तो मुझे बताओ. यार बात सुनो, हैरान की बात है हम जब भी आते हैं यहाँ पर लेट खाना मिलता है. लेट मिलता है लेकिन फिर भी हम यहाँ पे आते हैं. हम कहते हैं यार कोई बात नहीं, अच्छा सुनते हैं. चलो कोई बात नहीं. अच्छा मुझे इसका नाम भी बड़े टाइम से जाता है. अब पता चला ये कपरी है. कपरी कपरी रेस्टोरेंट है. कैरी रेस्टोरेंट कर रहा था ना. कैपरी ये हमारी मखनी कढ़ाई. अभी खाते हैं और फिर घर को जाते हैं. कैफी रेस्टोरेंट मुझे आप याद आ गए. अच्छा माँ देखो कितनी तेज बारिश होगी बाहर. अब तो घर कैसे जाएंगे. हम पैदल आए. नहीं गाड़ी पे आए. तो कार पे घर. तो कार रेस्टोरेंट के बाहर थोड़ी खड़ी है. वो वहाँ खड़ी है. गीला तो होना पड़ेगा. नहीं होते गीला. टेंशन नहीं लेते. बहुत तेज है. तुम नहीं गीले होते. यार मेरे बाल बहुत बड़े बड़े हो गए हैं देखा है ना. गीले हो गए बड़ी ये देर बाद सूखते हैं. सारे कहें से बाल कटवाए. कौन कह रहा था. यार ठीक तो लग रहा है. देखो नहीं क्या? अभी देखना अभी ग्रोथ होगी ना और ठीक हो जाएगी. ये बाल ग्रोथ होगी. हाँ बालों की. बालों की और किसकी. अपनी भी करा लो. मैं ठीक हूँ. यार माँ को दोबारी प्यास लगती है इसलिए मैंने पानी वाली बोतल साथ ही पकड़ ली है ताकि उसको कार में प्यास ना लगे. आ जाओ माँ को यहीं रहना है. आ जाओ ध्यान से. चलो यार सबसे पहले बाहर जाके रसीली खाएं. यार रसीली रसीली वो खोखा मिल गया मुझे. बारिश तो रुक गई है यार. हाँ बारिश रुक गई है. रसीली वो है. फाइनली यार अब हम जा रहे हैं घर. ऑफिस में जाना के साथ सीधा घर जाना. ओके हाँ जी. क्या जी बहुत मजा आया. दरवाजा बंद है. ओके सो फाइनली 8 बज गए और 8 बजे हम आ रहे हैं अपने घर वापस. और आपको मैं बताऊं मेरे इतनी तबीयत अपसेट हुई है रास्ते में लेकिन मैंने अरमानी को बताया नहीं. मेरा दिल खराब हो रहा था कार में बैठ के. मुझे लग रहा था कोई परफ्यूम शर्फ्यूमे लगा के जब निकलता है ना मुझे बेहद गुस्सा आता है इसमें. खैर बना तो किया इसको अल्लाह या क्या कह सकते हैं. खैर इधर ही अपने ब्लॉग का करते हैं इख्तिताम. अपने ख्याल के अपने प्यारों का ख्याल रखें. समझ गए तो हमें हमेशा याद रखें. अल्लाह हाफिज़. टेक केयर. बाय बाय. सी यू.